हेलो गाइस, नमस्कार। और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेटामॉर्फोसिस चैनल में। और आपको पिछले यूट्यूब में मैंने बताया था कि कुछ कैरेक्टर्स की बातें हो रही थी कैंटरबरी टेल्स की, तो इस बार उसी कैरेक्टर्स वाले पोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं और जो भी चीज़ें हैं और कैरेक्टर्स की जो पिक्युलियरिटीज़ हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ऑल राइट, हमने जो लास्ट किया था वो हमने मर्चेंट तक किया था, और आगे जो मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ वो क्लर्क है। तो अगला करेक्टर क्लर्क है, और क्लर्क की कुछ स्पेशलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्लर्क है वो, बट ही वॉज टॉट इन ऑक्सफोर्ड, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ होता है, जो कि फिर से एक आयरॉनिकल है कि क्लर्क है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है लेकिन क्लर्क है। ठीक है, वो पढ़ा लिखा बहुत होता है। ही वॉज रिच इन स्टडीज़, His study was rich, और philosophy उसे आती है, but very poor in wearing. उसका जो पहनावा था वो poor था। कैसे था वो भी देखते कि जो पहनावा था poor था, वो फटा हुआ overcoat पहनता था, ragged overcoat। And जहाँ तक story की बात करें तो वो जो story सुनाता है वो Griselda की story सुनाता है, और उसका court में जो trial होता है उसके husband Marquis के द्वारा उसकी story सुनाता है। और फिर हम आते हैं फ्रैंकलिन नाम के कैरेक्टर पे। फ्रैंकलिन जो कैरेक्टर है उसकी दाढ़ी के लिए फिर से एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है कि इस बियर्ड वाज एज वाइट एज डेजी, तो डेजी की तरह वाइट उसकी दाढ़ी थी। और वो जो कहानी सुनाता उसका नाम होता है टेल ऑफ डोरिजन, DORIGEN। फिजिशियन में से बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि फिजिशियन को मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस कर लें। फिजिशियन की सबसे बड़ी बात थी कि वो अपने पेशेंट को ट्रीट करता था नॉट बाय द नॉलेज ऑफ मेडिसिन बट बाय द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करता था। वो फिजिशियन था लेकिन एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करता था ट्रीटमेंट में। और इसमें से एक और क्वेश्चन ये आया है कि फिजिशियन एक बहुत ही रिच मैन था, अमीर आदमी था, और वो थिन सिल्क को पहनता था, सिल्क के कपड़े पहनता था जो काफ़ी कीमती होते थे, एक्सपेंसिव ड्रेसेस। एंड दूसरी, उसको बहुत प्यार था गोल्ड से, सोने से, ही लव्ड गोल्ड। तो सोना इकट्ठा करता था, सिल्क के कपड़े पहनता था, पूरी स्टाइल में रहता था, और एस्ट्रोलॉजी से इलाज करता था। और वो जो कहानी सुनाता है उसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आया है, वो कहानी है टेल ऑफ वर्जीनिया, और इसमें वर्जीनिया जो है उसके फादर उसका मर्डर कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा आया है, कौन सी ऐसी कहानी है जिसमें एक फादर अपनी बेटी का मर्डर करता है। टेल ऑफ वर्जीनिया है वो, और फिजिशियन सुनाता है, और वो भी ऐसे नहीं कोई कि फादर चाहता है बल्कि अपनी डॉटर की रिक्वेस्ट पे करता है, क्योंकि इट वॉज ए मैटर ऑफ ऑनर। तो कुछ ये जब कहानी पढ़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा। तो इतने पॉइंट्स आपके काफ़ी हैं, बट नेट वाले बच्चों को हम इसकी कहानी भी सुनाते हैं पूरी। तो आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि वो फादर वर्जीनिया को उसके कहने पे मार देते हैं, मर्डर। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो इंटरेस्टिंग करेक्टर है वो है द वाइफ ऑफ बाथ। इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं हमेशा। एक तो जो बाथ है वो जर्मनी में सिचुएटेड है, जर्मनी का एक शहर है, ये आप जान लीजिए। तो बाथ से ये बिलोंग करती है, और इसका जो प्रोफेशन होता है वो कपड़ा बनाने का होता है। शी वॉज ए क्लोथ मेकर, और शी हैड गैप्ड टीथ, उसके दांतों के बीच में गैप होता है, और ये उसकी पिक्युलैरिटी है। दूसरा, उसका जो शौक होता है, एक तो वो हंसती बहुत है, शी लाइक्ड लाफिंग ए लॉट, और दूसरा वो चैट करना पसंद करती है कंपनीज में, जहाँ भी बैठे उसे गप्पे मारने का बहुत शौक होता है। शी वॉज इन लव विथ कंपनी एंड चैट एंड यू नो लाफिंग। और उसकी सबसे खास बात ये होती है कि वो लाइफ को पूरे बिल्कुल खुले अंदाज में देती है, और उसके शादियां भी उसने 5 की होती हैं, उसके 5 हस्बैंड होते हैं। और जो अभी वर्तमान में जो हस्बैंड होता है उस समय जब ये चल रही होती है पिलग्रिमेज, उस समय इसका 5वां हस्बैंड होता है। अगर उसका नाम पूछें तो उसका नाम जेनकिन होता है, JENKYN उसके हस्बैंड का नाम। कभी कभी ये भी आ जाता है, जो वाइफ ऑफ बाथ है, इट वॉज प्रेसिडेड बाई 856 लाइन्स प्रोलॉग इन विच शी कर्स्ड हर 5 हस्बैंड। तो ये एक पोयम में इसने अपने 5 हस्बैंड को कर्स करते हुए एक लंबा हिस्सा पोएट्री का लिखा हुआ है, वो भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये वाइफ ऑफ बाथ इम्पॉर्टेंट भी है। और फिर आते हैं नेक्स्ट करेक्टर है पार्सन,
और पार्सन जो है बेसिकली वो एक शेफर्ड होता है, होता वो पार्सन है लेकिन शेफर्ड होता है, मिशनरीज नहीं होता है। तो ये एक अलग ही बात है, एक विरोधाभास भी इसमें कि वो पार्सन है लेकिन वो मिशनरी नहीं है और वो शेफर्ड है। दूसरा वो भी एक प्रोवर्ब यूज करता है, ये भी पूछी गई है और वो प्रोवर्ब बहुत अच्छी है, वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, दैट इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शल आयरन डू, अगर सोने में जंग लग सकता है तो फिर आयरन क्या चीज है। ये एक इंपॉर्टेंट है इसमें। और फिर आते हैं हम एक और, उसकी प्रोज में टेल है, ये मैं आपको बता चुका हूं, और जो भी टेल होती है उसमें वो क्रिश्चियनिटी के जो सेवन डेडली सिंस हैं इसके बारे में डील करता है। और वो सेवन डेडली सिंस जो हैं क्रिश्चियनिटी में माने जाते हैं, जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड, इस तरीके से मैंने पहले भी बताए हैं, डिस्कस किए हैं। फिर एक करेक्टर है मिलर, फिर से एक दाढ़ी में क्वेश्चन है कि उसकी दाढ़ी रेड होती है, हिज बियर्ड वॉज रेड एंड वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ए बैक पाइप, वो बैक पाइप बजाने का शौकीन था, बैक पाइप पर था वो। और फिर पार्टनर आता है, पार्टनर जो अगला करेक्टर है वो उसको ऐसे दिखता था, उसके बाल ऐसे दिखते थे एज इफ इट वॉज मेड ऑफ वैक्स, जैसे कि उसमें मोम लगा देगा वो एकदम चिपका के। फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, पार्टनर गाना गाता था। और हैड एन ऑयली टंग, वो बड़ा मुंह का मीठा था जुबान का, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग करता था लोगों की, ऑयली टंग थी और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता था। आप सोचेंगे कस्टमर कैसे, एक्चुअली पार्टनर का काम ये होता था कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा ठगता था और कहता था तुमने ये पाप किया है, तुमने इस तरीके की चीज़ें की हैं तो गॉड तक ये माफ़ीनामा भेजना पड़ेगा, इसके इतने पैसे लगेंगे। तो लोग अज्ञान थे उस समय, अज्ञानी थे और वो उसकी बातों पे आ जाते थे, तो वही कस्टमर होते थे उनके जिनको ये बेवकूफ़ बनाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है करेक्टर और जो राइटर, उनकी पिक्यूलैरिटीज़ मैंने आपको बताई और एक्सप्रेशन, इनमें से पक्का क्वेश्चन आपके एलटी और लेक्चरर ग्रेड में, एलटी में खासकर आने के पूरे चांसेस हैं, तो आप ये करिएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मेरे एमसीक्यू वाले वीडियो में आ जाएंगे, क्योंकि मैं एमसीक्यू वाली वीडियोज़ भी भेजूँगा। और अब मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लाइव क्लासेस, और हमारे लाइव क्लासेस भी चलने वाली हैं, तो आप तैयार रहिएगा। और साथ में जिनको लेक्चरर की तैयारी करनी है वो जल्दी से जल्दी जुड़ें, ऑफलाइन में और ऑनलाइन और एलटी में भी। ऑनलाइन और के लेक्चर और एलटी बैच भी अभी हाल ही में शुरू हुए हैं, और लेक्चरर का नया बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन हल्द्वानी में मेरे इंस्टीट्यूट में, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, एंड यू आर माई इंस्पिरेशन, एंड प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।